Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update from Shemaroo Kids Malayalam. Shemaroo Kids. Kathak. भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक की उत्पत्ति संस्कृत शब्द कथा से हुई है, जिसका अर्थ है कहानी। कथक नृत्य की उत्पत्ति मूल रूप से बंजारों के द्वारा की गई, जिन्हें कथाकार कहा जाता है, और कालांतर में इसने भारत के 6 मुख्य शास्त्रीय नृत्य में अपनी जगह बना ली। कथक के कलाकार अनिवार्य रूप से कहानीकार होते हैं, जो नृत्य के माध्यम से महाकाव्यों, पौराणिक कथाओं और दिव्य चरित्रों से कहानियां सुनाते हैं। यद्यपि बाद में ये भक्ति आंदोलन और कई नृत्यों से प्रभावित हुआ, फिर इसमें कृष्ण के बचपन और युवावस्था के किस्से भी जुड़ गए। कथक नृत्य प्रदर्शन के 2 मुख्य भाग होते हैं। इस कला में शुद्ध नर्तन अंश होता है, जिसे नृत्य कहते हैं। इसमें पांव के बहुत ही जटिल तालों से लयबद्ध आकार बनाए जाते हैं। ये लय पांव को धरती पर पटकने से उत्पन्न किया जाता है, जिसे ध्वनि मिलती है पांव पर बंधे घुंघरुओं से। पैरों की थाप, घुंघरुओं की ध्वनि एवं फुर्तीली शारीरिक मुद्राओं से ये भाग बनता है, और इसे टुकड़ा कहते हैं। द्वितीय भाग है मुकाभिनय, जिसे नृत्य अथवा अभिनय कहा जाता है। इस भाग में शब्द महत्वपूर्ण नहीं होते, परंतु अभिव्यक्ति, अंगों की मुद्रा एवं धीमे सरकते कदमों से महाकाव्यों और पारंपरिक कहानियों को बताया जाता है। ये दोनों ही भाग संगीत और ताल के सहारे प्रस्तुत किए जाते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कथक की ये परंपरा 500 ईसा पूर्व की है, जिसके अनुसार तब भगवान शिव के द्वारा तांडव किया गया था, जिसकी मुद्राएं कथक से मिलती जुलती हैं। इसके उदाहरण प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र में मिलते हैं, जिसे संत भरत ने लिखा है। इतिहास के अन्य उदाहरण जो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में मिली पांडुलिपियों से प्राप्त हुई है, उसके अनुसार भरहुत मध्य प्रदेश के पास भी इसका उल्लेख पाया जाता है। महाभारत की पौराणिक कथाओं में भी इन कथाकारों का उल्लेख पाया जाता है। उत्तरी भारत के राजाओं के दरबारों में इस नृत्य शैली को बहुत अधिक लोकप्रियता मिली। इस नृत्य शैली की लोकप्रियता तब और अधिक बढ़ी जब इसे मुगल शासकों के दरबारों में जगह मिली। कथक को वैभवशाली मनोरंजन के रूप में देखा जाने लगा, और ये शैली धीरे धीरे आध्यात्मिक छवि से हटकर भावात्मक एवं मनोरंजन के लिए पहचानी जाने लगी। अंततः आध्यात्म और मनोरंजन में सामंजस्य स्थापित हो गया, और आज हम इस नृत्य के उसी रूप को देखते हैं। कथक की 3 मुख्य शैलियों को उन शहरों के नाम पर रखा गया था जिनमें कथक विकसित हुआ। वो शहर हैं जयपुर, बनारस और लखनऊ। तीनों शैलियां कालांतर में नृत्य विद्यालय बन गईं, जिन्हें घराना कहा जाता है। जयपुर घराने के लिए नृत्य के तकनीकी गुण दोष बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि कठिन और प्रभावशाली पदताल, कई चक्रण अथवा घुमाव और अलग अलग लय पर किए जाने वाले कठिन संयोजन। बनारस घराना जानकी प्रसाद द्वारा विकसित किया गया, और इसकी विशेषता है नटवरी या नृत्य गीत, जिनका अनन्य उपयोग किया जाता है। कथक का लखनऊ घराना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जिसे अवध भी कहते हैं, वहां के नवाब के दरबार में विकसित हुआ। ये विशेष रूप से नर्तकियों या नर्तकों में नजाकत, कोमलता और सहज भाव को महत्व देता है। कथक विद्यालयों की मौखिक परंपरा थी, अर्थात ज्ञान को मौखिक रूप से प्रदर्शित किया जाता था, न कि उसे लिखा जाता था। नृत्य को पीढ़ी दर पीढ़ी अभ्यास के माध्यम से सीखा और विकसित किया गया। कथक नृत्य में पहने जाने वाले वस्त्रों में भी ये बदलाव दिखाई पड़ता है। कथक की दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के साथ कई समानताएं हैं, जैसे कथकली और भरतनाट्यम। कथक का प्रदर्शन करने वाली महिलाओं के लिए उनकी वेशभूषा में संस्कृति के आधार पर भिन्नता होती है। हिंदू नर्तकियां एक साड़ी आधारित परिधान के साथ साथ एक लंबी टखने तक की लंबाई का घाघरा या लहंगा पहनती हैं, जबकि मुस्लिम महिलाएं एक चूड़ीदार के ऊपर पहना जाने वाला लहंगा पहनती हैं, और कभी कभी एक पूरी आस्तीन का अंगरखा का भी प्रयोग होता है। कथक का प्रदर्शन करने वाले पुरुष कलाकार एक विशिष्ट रेशम की धोती के साथ कमर पर एक दुपट्टा भी बांधते हैं। शरीर का ऊपरी भाग नग्न रहता है या जैकेट अथवा मिर्जई पहनते हैं। कथक कलाकार के साथ संगीत वाद्य यंत्रों की संख्या 2 से 12 तक हो सकती है।
सबसे सामान्य वाद्य यंत्र है तबला, जो नर्तक के पांव की लय के साथ सांगत करता है। सारंगी या हारमोनियम के साथ मंजीरे का भी प्रयोग होता है। कथक नृत्य में सबसे प्रसिद्ध नाम है जानकी प्रसाद, बिरजू महाराज, शंभु महाराज और लच्छू महाराज। आज कहा जाता है कि कथक पर तीनों घरानों का प्रभाव है और ये एकमात्र नृत्य है जिसकी एक समृद्ध नृत्य परंपरा है, जो भारत के हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृतियों में लोकप्रिय है। Hi kids, hope you liked the video. Subscribe for more fun videos.